सुर्खियों में रहने वाले जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर से चर्चा में है। वजह है बीजेपी को चुनौती। दरअसल अग्निपथ को लेकर जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते में आई तलखी के बाद गोपाल मंडल ने बीजेपी को चुनौती दे डाली है। हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़कर देख लें, हकीकत से वास्ता पड़ जाएगा। मंडल ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी के पास तो सीएम फेस तक नहीं है, और इस बयान से तिलमिलाई बीजेपी ने भी पलटवार किया तो मौका विपक्ष ने लपक लिया। अरे भाजपा में कोई ऐसा आदमी है नहीं मुख्यमंत्री बनने वाला। जेडीयू विधायक ने दी बीजेपी को चुनौती। गोपाल मंडल ने कहा अकेले चुनाव लड़कर देख ले बीजेपी। बीजेपी ने किया पलटवार, विपक्ष ने कसा तंज। अग्निपथ की आग पर जेडीयू और बीजेपी के जो रिश्ते जले उस पर अब और तेल छिड़का जा रहा है। सुलह के बजाय एक दूसरे को चुनौती दी जा रही है, और ताजा चुनौती जेडीयू विधायक ने बीजेपी को दी है। चुनौती यह है कि है हिम्मत तो अकेले चुनाव लड़कर देख ले, हकीकत से वास्ता पड़ जाएगा। भाजपा अलग होके देख ले, चुनाव करा के देख ले, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल दिए, अलग अलग चुनाव लड़के देख ले, औकात का पता चल जाए। कोशिश तो चल रही है। अरे भाजपा में कोई ऐसा आदमी है नहीं मुख्यमंत्री बनने वाला। जदयू में नेता हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मानते हैं और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मानते हैं। बाकी कौन क्या बोल रहा है, विधायक उधायक का तो हम लोग नोटिसो नहीं लेते हैं। जेडीयू तो यहां तक कह रही है कि बीजेपी के पास सीएम फेस तक नहीं है, और इस पर तिलमिलाई बीजेपी सिर्फ नीतीश और ललन सिंह को तवज्जो देने की बात कर रही है। कुल मिलाकर हो ये रहा है कि जेडीयू बीजेपी की टांग खींचने में जुटी हुई है, और बीजेपी नीतीश कुमार के बयान का इंतजार कर रही है। जो बात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी लगातार कह रहे हैं वो सही साबित हो रहा है कि जिन्हें बिहार के बेहतरी और विकास की बात करनी चाहिए, काम करनी चाहिए, वो सिर्फ आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। आरएसएस द्वारा नीतीश कुमार और उसकी सरकार की आलोचना, उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा खुले तौर पे नीतीश कुमार और उसकी सरकार की आलोचना करना और नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलना, ये सब चीजें तो इस बात को दर्शाती हैं कि शायद महाराष्ट्र के बाद अब अगला ऑपरेशन लोटस बिहार में ही होने जा रहा है। दरअसल अग्निपथ स्कीम को लेकर जेडीयू और बीजेपी के बीच टकराव बढ़ा है। जेडीयू स्कीम के खिलाफ है तो बीजेपी समर्थन दे रही है, और इसी बात को लेकर तकरार बढ़ी हुई है। गोपाल मंडल का बयान इसी संदर्भ में आया है, जिसे लेकर तलखी और बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शनिवार को जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने बीजेपी को चुनौती दी, और अब भागलपुर के बिहपुर से बीजेपी विधायक ने गोपाल मंडल को चुनौती दी है कि हिम्मत है वो उनके क्षेत्र से चुनाव लड़कर दिखा दें, तब ताकत का पता चल जाएगा। आप बार बार कहते हैं हम ही जिताए हैं, हम ही विधायक बनाए हैं, तो आपको खुली चुनौती है कि आप एक बार भागे बिहपुर में चुनाव लड़के बुलो मंडल के खिलाफ देखिए, और हम लड़ेंगे गोपालपुर से, तब अखाड़ा में पता चल जाएगा कि पहलवान कौन बेसी ज्यादा ताकतवर है। बगहा से बड़ी खबर आ रही है।